अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश पीपी तिजारे ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 5 वर्ष का कठोर कारावास और 3,000 रुपए का जुर्माना भरने की सजा सुनाई। उल्लेखनीय है कि नाबालिग लड़की अपनी बुआ के गांव खड़की टोला आई थी। इसी बीच घर में कोई नहीं होने का फायदा उठाकर आरोपी मोहाड़ी तहसील के खड़की टोली निवासी प्रफुल्ल लाल चंद रंगारी उम्र 32 वर्ष घर में घुस गया। लड़की के शोर मचाने पर उसने उसके शरीर पर रुमाल फेंक दिया और पेन से वार कर जान से मारने की धमकी देकर छेड़खानी की। लड़की ने शोर किया और बेहोश हो गई। लड़की की आवाज सुनकर पड़ोसी दौड़ पड़े। बेहोशी की हालत में उसे इलाज के लिए जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। करडी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। करडी पुलिस ने लड़की के बयान और साक्ष्य जुटाने के बाद प्रफुल्ल रंगारी को गिरफ्तार कर लिया। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश पीपी तिजारे ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी प्रफुल्ल को 5 साल के कठोर कारावास व 3,000 रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई। सरकार की ओर से एडवोकेट दुर्गा तलमले ने पैरवी की। उक्त मामले में पुलिस हवालदार वैद्य ने पैरवी अधिकारी के रूप में कार्य देखा।